वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनेबियासिस, जो कि एक तरह का प्रोटोजोन डिसऑर्डर है। ओके, सो एज यू ऑल नो कि मैंने इस चैनल पे एक प्रोटोजोन की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैंने मलेरिया टॉपिक को बहुत इजीली वे में डिस्कस किया था। पिछले वीडियोस में मैंने मलेरिया के बारे में सारा कुछ बता दिया था, लाइक उसका डेफिनेशन, उसका कॉज, उसके साइन सिम्टम्स, एज वेल एज मैंने प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल थी उसको भी मैंने डिस्कस की थी। एंड उस वीडियो को आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस वीडियो को जाकर देखिए एंड पढ़िए मलेरिया के बारे में। ओके, एंड अब उसी कंटिन्यूएशन में जो नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो है एमीबियासिस, जो कि एक तरह का प्रोटोजोअन डिसीज़ है। ओके, सो एमीबियासिस का जो अदर नेम है वो क्या होता है, हम उसके बारे में जान लेते हैं। सो जो उसकी अदर नेम है वो है एमीबिक डिसेंट्री एंड एमीबियासिस एंड ब्लडी डायरिया। ब्लडी डायरिया हम इसको सीवियर केस में कहते हैं, लाइक अगर एमीबियासिस जो होता है वो बहुत सीवियर कॉज हो जाता है किसी पर्सन को, तो उस केस में हम इसे ब्लडी डायरिया भी कहते हैं, क्योंकि जो फीसेज है उसके साथ ब्लड का प्रोडक्शन भी होता है, ब्लड भी जो होता है वो रिलीज होता है, तो इसीलिए हम उसे ब्लडी डायरिया भी कहते हैं। ओके, सो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड पढ़ते हैं एमीबियासिस के डेफिनेशन के बारे में। सो डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। सो एमीबियासिस और एमीबिक डिसेंट्री इज़ एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय सिंगल सेल पैरासाइट नेम्ड एज एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। ओके, सो एमीबियासिस किस ऑर्गेनिज्म से कॉज होता है? एमीबियासिस एक तरह का पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो कि एक तरह के सिंगल सेल प्रोटोजोआ से कॉज होता है, जिसका नाम है एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। ओके, एमीबियासिस इज द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमंस अफेक्टिंग द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मीन्स ये क्या होता है, ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को अफेक्ट करता है, मीन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसमें हमारे इंटेस्टाइन को ज़्यादातर अफेक्ट करता है, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन जो इसका इन्फेक्शन है वो बहुत ही तेज़ी से देखा गया है। तो चलिए अब इसके कॉजिटिव एजेंट के बारे में हम लोग जान लेते हैं, लाइक कौन सा ऐसे कॉजिटिव एजेंट है जो कि एमीबियासिस को कॉज करता है। सो कॉजिटिव एजेंट की मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि ये एंड अमीबा हिस्टोलिटिका से कॉज होता है, जो कि एक तरह का पोटेंट पैथोजन है, जो कैसे फैलता है, कैसे स्प्रेड करता है, वाया इंजेशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। मीन्स अगर हम जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर होता है वो इंजेस्ट करते हैं, मीन्स खाते हैं, तो उसकी वजह से जो इसका इन्फेक्शन होता है वो हमारे बॉडी में कॉज हो जाता है। ओके, सो ये जो पैरासाइट है एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, इसके दो सीस्ट देखे गए हैं, जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म है एंड एक है एक्टिव फॉर्म। तो जो इनएक्टिव फॉर्म है वो है क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सीस्ट एंड जो एक्टिव फॉर्म है वो है ट्रोफोजॉइट। सो इनएक्टिव फॉर्म जो होता है वो फीकल मैटर में प्रेजेंट होता है, जो कि जो फीसेस होते हैं उसमें पाया जाता है, एंड जो एक्टिव फॉर्म है मीन जो ट्रोफोजॉइट है वो हम बॉडी के अंदर पाया जाता है। मीन्स जो इन्फेक्शन अगर वो कॉज होता है तो उस इन्फेक्शन की वजह से जो क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सीस्ट होता है वो बॉडी में अंदर जाने के बाद वो एक्टिव बन जाता है, एंड वही एक्टिव सीस्ट जो होता है वो इन्फेक्शन को फर्दर कॉज करता है। ओके, तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी हमें अब समझनी होगी। उससे पहले हम इसका ट्रांसमिशन जान लेते हैं, लाइक ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांस। सो इट स्प्रेड्स थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ पर्सन टू पर्सन वाया फीको ओरल रूट थ्रू अ वेक्टर हाउस फ्लाई। मीन्स क्या होता है, जो कोई अगर पर्सन खुले में फीकल मैटर रिलीज़ कर रहा है, और अगर उस फीसेस पे जो होते हैं जो हाउस फ्लाई जो मक्खी होते हैं वो मिनाते हैं, तो वो मक्खी क्या करता है, वो क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सीस्ट जो होता है उसको वहीं पे छोड़ देता है, एंड जो क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सीस्ट होता है वो उस फीकल मैटर से होकर हमारे फूड या तो वाटर में चला जाता है, और उस वाटर को वो या तो फूड को वो कंटामिनेट कर देता है, और अगर उसी कंटामिनेटेड वाटर और फूड को हम खा लेते हैं या तो उसको हम ड्रिंक कर लेते हैं, तो उसकी वजह से उस वो इन्फेक्शन जो होता है वो क्वाड्री न्यूक्लिएटेड सीस्ट होता है वो हमारे बॉडी में चला जाता है, जो कि फिर वो फर्दर ट्रोफोजॉइट सीस्ट में कन्वर्ट होता है, एंड वही ट्रोफोजॉइट जो सीस्ट होता है वो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करता है, एंड फर्दर वो अपना साइन सिम्टम शो करता है, लाइक डायरिया एंड अदर साइन सिम्टम, जो कि मैं आगे इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। ओके, तो सबसे पहला जो इसका ट्रांसमिशन का पॉइंट है वो है फीको ओरल रूट। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है जनरल ट्रांसमिशन अमंग होमोसेक्सुअल। मींस जो होमोसेक्सुअल मेल्स अगर ओरल या तो एनल सेक्स के दौरान जो होता है वो भी इसका ट्रांसमिशन जो होता है वो देखा गया है, क्योंकि मोस्टली होमोसेक्सुअल स्पीसीज में देखे गए हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, जो कि मैंने स्टार्टिंग में इसको डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यूज़ ऑफ ह्यूमन फीसेस फॉर सॉइल फर्टिलाइजर। मींस जो फर्टिलाइजर होता है वो बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है, तो उसका भी यूज़ करने से, ह्यूमन फीसेस का जो यूज़ होता है अगर सॉइल फर्टिलाइजर में उसका यूज़ करने से भी क्या होता है, ये इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। सो कंटामिनेशन ऑफ फूड बाय फ्लाइज एंड कॉकरोच, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि फ्लाइज एंड कॉकरोच की वजह से जो हमारा फूड है वो अगर कंटामिनेट हो जाता है, तो उसको अगर हम लोग ईट कर लेते हैं तो ड्रिंक कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें एमीबियासिस कॉज हो सकती है। ओके, सो ये था इसका ट्रांसमिशन का पॉइंट। तो अब हम पढ़ते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में, लाइक ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से पॉपुलेशन हैं जिनको ये रिस्क ज़्यादा है, इस बीमारी के होने का रिस्क बहुत ही ज़्यादा है, हम उसके बारे में जान लेते हैं। सो पीपल लिव इन एन एरिया विथ पुअर सैनिटेशन। मींस अगर कोई ऐसे इंसान है जो कि ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ की सैनिटेशन बहुत ही पुअर है, वो वहाँ बहुत ही गंदगी पाई जाती है, तो उस गंदे प्लेस में अगर वो रहता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा रिस्क है इस डिज़ीज़ के होने का, क्योंकि कहीं ना कहीं गंदगी की वजह से जो फूड एंड जो वाटर होता है वो कंटामिनेट हो जाता है, तो उस पर्सन को अगर वो वाटर या तो फूड अगर वो ड्रिंक करता है या तो खा लेता है, तो उसको वो डिज़ीज़ होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। दूसरे होते हैं एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट। तो एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट में भी जो इस डिज़ीज़ का रिस्क है वो बहुत ही ज़्यादा देखा गया है। तीसरा जो पॉइंट है वो है होमोसेक्सुअल, जो कि मैंने ट्रांसमिशन के पॉइंट में इसको डिस्कस कर दिया था।
एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है वह इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, मींस जो पर्सन होते हैं जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक होती है ड्यू टू सम मेडिकेशन, वो ऐसे मेडिकेशन लेते हैं जिससे क्या होता है उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। तो अगर किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम होगा वो कमज़ोर हो जाएगा तो उसको बीमारी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में भी जो होता है वो एमीबियोसिस होने का जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक देखा गया है। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है माल न्यूट्रिशन, मींस अगर कोई पर्सन है जो कि माल न्यूट्रिटेड है, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है, उसको माल न्यूट्रिशन है, तो उसको भी वो चांसेस होंगे उस डिज़ीज़ के होने का, जो चांसेस है वो उसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा देखा गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रीसेंट ट्रैवल हिस्ट्री टू द ट्रॉपिकल रीजन, मींस तो ऐसे अगर कोई प्लेस पे अगर कोई रिसेंटली ट्रैवल किया है जहाँ पे जो इस डिज़ीज़ का एक्सटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से भी उस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा रिस्क है कि उसको एमीबीएसिस कॉज हो सकती है। तो ये थे इसके रिस्क फैक्टर्स। तो अब हम लोग जान लेते हैं एमीबीएसिस के इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में, लाइक इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जिसको मैंने ऑलरेडी बहुत सारे अपने वीडियोस में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, लेकिन मैं इसको ऑलरेडी एक बार और डिस्कस कर। सो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है कि अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर जब करता है, तो जब वो अपना साइन सिम्टम शो करता है, मीन्स एंट्री से लेकर उसके साइन सिम्टम शो करने का जो ड्यूरेशन होता है, जो टाइम होता है, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। एंड जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है एमीबीएसिस का, वो होता है अराउंड 3 to 4 weeks, और ये डिपेंड करता है केसेस पे, लाइक वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है या तो अनकॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, अगर एमीबीएसिस इनवेसिव या तो नॉन इनवेसिव फॉर्म है, जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगी, तो उस पर भी जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो वैरी करता है। ओके सो हम लोग जान लेते हैं कि एमीबीएसिस कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो सबसे पहला इसका टाइप है वो है इंटेस्टाइनल एमीबीओसिस, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप है। एंड इंटेस्टाइनल एमीबीओसिस पे क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, मीन जो इन्फेक्शन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादातर देखा जाता है। एंड इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो हमारे इंटेस्टाइन का होता है, एज वेल एज इलियोसिकल एंड सिग्मोइड रेक्टल रीजन का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो दूसरा जो पॉइंट है वो है एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल, मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ऑर्गन सच एज लीवर, ब्रेन एज वेल एज लंग्स। ओके सो इंटेस्टाइन के अलावा भी एमीबीओसिस की वजह से अदर ऑर्गन्स भी अफेक्ट हो सकते हैं, लाइक लीवर, ब्रेन एंड लंग्स। सो इस टाइप को हम कहते हैं एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमीबीओसिस। ओके सो ये थे इसके टाइप्स। तो अब हम पढ़ लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, लाइक बॉडी में होने के बाद जो एमीबीएसिस होता है वो उसकी वजह से बॉडी में कौन कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम जो होते हैं वो की नज़र आते हैं, हम उसके बारे में जान लेते हैं। सो पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट करते हैं। इंजेशन ऑफ सीस्ट थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो क्वाड्रीन्यूक्लिएटेड सीस्ट होता है जो कि फीकल मैटर में प्रेजेंट होता है, और फीकल मैटर से जो होता है वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर में जाता है थ्रू हाउस फ्लाई। ओके सो उस फूड को अगर हम इसकी बात क्या होता है, एक्सटेंशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके सो वो जो सीस्ट होता है वो बर्स्ट कर जाता है एंड वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर वो चला जाता है, जो कि ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके प्रोडक्शन ऑफ ट्रोफोजॉइट, जो कि एक एक्टिव फॉर्म है जो कि इन्फेक्शन को कॉज करती है। मल्टीप्लीकेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन, मीन्स वो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है देन वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। उसके बाद क्या होता है, एक्सटेंशन इन म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा लेयर, मीन्स जो ट्रोफोजाइट होता है वो म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा लेयर में जाता है, और कहीं ना कहीं वो टिश्यू एंड एज वेल एज वो ब्लड वेसल को रप्चर कर देता है, मीन्स उसको तोड़ देता है। ओके एंड उसकी वजह से क्या होता है, ब्लडी डायरिया, मीन्स जो फीसेज जो होते हैं वो ब्लड के साथ रिलीज होते हैं। तो इसीलिए हम इस डिज़ीज़ को, अब आप समझ गए होंगे कि इसीलिए अब इस डिज़ीज़ को हम ब्लडी। सो अब हम इस डिज़ीज़ की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में जान लेते हैं। ओके सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखा गया है कि ये दो टाइप से कॉज होता है किसी पर्सन को, लाइक एसिम्प्टोमेटिक, जिसको हम नॉन इन्वेसिव फॉर्म भी कहते हैं, एंड दूसरा जो टाइप है वो है इन्वेसिव फॉर्म, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है। ओके मीन्स इसमें जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो अदर ऑर्गन्स तक भी चला जाता है। सो एसिम्प्टोमेटिक फॉर्म में क्या होता है, जनरली जो एमीबीओसिस कॉज होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, मीन्स ज़्यादा उसमें सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं, एंड 90% जो एमीबीओसिस होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, और ये फर्दर कोई डैमेज कॉज नहीं करता है, कोई भी ल्यूमेन को वो रप्चर नहीं करता है, कोई भी ब्लड प्रोड्यूस नहीं करता है। एंड दूसरा जो फॉर्म है वो है इन्वेसिव फॉर्म, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, जिसमें जैसे कि मैंने पैथोफिजियोलॉजी में डिस्कस किया है कि जिसमें जो ट्रोफोसाइट होता है वो सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा लेयर के जो टिश्यूज़ और जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसको वो रप्चर कर देता है। तो इन्वेसिव फॉर्म में ही ये होता है कि उस डिज़ीज़ में अदर जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं वो डेवलप हो सकती हैं। लेकिन ये हम लोग जान लेते हैं एमीबिक डिसेंट्री के साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में, लाइक अगर किसी को एमीबीएसिस हो जाता है तो इसको कौन कौन से साइन और सिम्टम्स जो होते हैं वो जो कि नज़र आते हैं। ओके जिसमें सबसे पहला पॉइंट है वो है एब्डोमिनल क्रैम्प, मीन्स कहीं ना कहीं हमारे एब्डोमिन के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को अफेक्ट करता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होता है पेशेंट को, बहुत ही ज़्यादा एब्डोमिनल क्रैम्प होता है, डायरिया होता है विद ब्लड एंड म्यूकस, वो पेशेंट को फैटिग होता है, मीन्स वो पेशेंट कहीं ना कहीं वो मैलेज फील करता है, बहुत ही टाइडी फील करता है, एंड एक्सेसिव गैस कहीं ना कहीं एब्डोमिन को अगर वो अफेक्ट करता है डिजीज़, तो उसमें गैस का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा देखा गया है। रेक्टल पेन विथ बावल मूवमेंट, जिसको हम टेनिसनेस भी कहते हैं, ये भी होता है उस पेशेंट को, एंड अनइंटेंशनल वेट लॉस, मीन्स जो पेशेंट का जो वेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। और सीवियर केसेस में ये भी देखा गया है कि एब्सेस फॉर्मेशन इन लीवर, ब्रेन एंड लंग्स, जो कि मैंने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आपको बता दिया है कि जो एब्सेस होता है, मींस एब्सेस क्या होता है, एब्सेस मींस होता है पस का फॉर्मेशन,
तो अगर पस का फॉर्मेशन जब होता है लीवर, ब्रेन एंड लंग्स में, तो ये बहुत ही सीवियर कॉज करता है एमीबियोसिस को, एंड सीवियर केसेस में ये भी जो साइन सिम्टम्स हैं वो देखे गए हैं। तो ये थे इसके साइन एंड सिम्टम्स, एंड अब हम पढ़ लेते हैं इसकी डायग्नोसिस के बारे में, लाइक इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसको हम डिटेक्ट कैसे करते हैं। सो डायग्नोसिस में सबसे पहले हम लोग करते हैं लेबोरेटरी फाइंडिंग्स, जिसमें करते हैं इलाइजा टू डिटेक्ट एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। दूसरा हम करते हैं PCR टू डिस्टिंग्विश एंट अमीबा हिस्टोलिटिका टू अदर इन्फेक्शन, मीन्स अदर इन्फेक्शन से इसको फाइंड आउट करने के लिए, मीन्स इसकी DD बनाने के लिए हम PCR भी करते हैं। नेक्स्ट जो हम करते हैं वो करते हैं ब्लड टेस्ट, जिससे हमें अदर इन्फेक्शन के बारे में पता चल सकता है। एंड लेबोरेटरी फाइंडिंग्स के बाद हम कराते हैं CT स्कैन, इमेजिंग स्कैंस कराते हैं, जिसमें हम CT स्कैन कराते हैं टू चेक लीवर इन्फेक्शन, और कोलोनोस्कोपी कराते हैं सीवियर केस में फॉर्म सीवियर केस को पता करने के लिए टू चेक इन्फेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन विच मीन्स कोलोन। ओके, सो ये थे इसकी डायग्नोसिस। अब हम पढ़ लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, लाइक एमीबियोसिस का जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है। सो बैक्टीरियल डिजीज़ में, वायरल डिजीज़ में, ऐसे बहुत सारे डिजीज़ में हम लोग एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स देते हैं, एंटी वायरल ड्रग्स देते हैं, एंड अमीबियोसिस में हम क्या देंगे, एंटी अमीबिक ड्रग्स देंगे। ओके, एंड एंटी अमीबिक ड्रग्स में जो ज़्यादातर प्रिस्क्रिप्शन वाला जो ड्रग होता है वो होता है मेट्रोनिडाजोल, एंड फॉलोड बाय एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के साथ हम मेट्रोनिडाजोल देते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन मेडिकेशन है इस डिजीज़ में। एंड ड्रग्स के बाद अगर सर्जरी जो रिकमेंड होती है सीवियर केसेस में, अगर सर्जरी करानी होती है तो पेरिट्यूनियल टिश्यू परफ्यूजन भी कराना पड़ सकता है पेशेंट को, इन सीवियर केसेस सर्जरी भी रिकमेंड की जाती है। ओके, सो ये था इसका ट्रीटमेंट, एंड इसी के साथ जो होता है ये वीडियो ओवर होता है। एंड अ बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जो इसका नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एंड अगर आप लोगों को नोट्स से पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसका नोट्स अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो बी सेफ एंड बाय।